भारत के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने सुप्रीम कोर्ट को फास्ट ट्रैक पर रखा है। सीजेआई ने कई मौकों पर कहा है कि अपने 74 दिनों के कार्यकाल के दौरान उनका पहला लक्ष्य बड़े पैमाने पर बैकलॉग यानी कि पेंडिंग केसेस को कम करना होगा, जो कि कोविड महामारी के बाद बहुत बढ़ गया है। आंकड़ों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 16,875 मामलों को सूचीबद्ध किया है और सीजेआई यूयू ललित के पदभार संभालने के बाद से 3,797 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 12 दिनों में लगभग 13,791 अलग अलग मामलों और 3,084 नियमित मामलों में सुनवाई निर्धारित की है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 3,531 मामलों और 266 नियमित मामलों पर फैसला सुनाया है। सीजेआई ललित के कार्यकाल के पहले दिन सबसे अधिक मामलों में सुनवाई की गई थी। उस दिन 546 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें से 493 मामलों का फैसला 5 सितंबर को ही कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक 1 सितंबर 2022 तक शीर्ष अदालत में कुल 70,310 मामले लंबित थे, जिनमें 51,839 विविध मामले और 18,471 नियमित मामले भी शामिल थे।